उस तो बाद मैं 78 च हबोर चला गया। हबोर दे विच जदों मोहन सिंह फलियां वाले नूं इलैक्शन लड़ाया गया तो साढ़े कोल एक किसी बजुर्ग जे बंदे ने आके दस्या भी ये हाथी बाबा साहब अंबेडकर दा दिता होया, इहदा चुनाव चिन्ह ते इहदी जिहड़ा है सपोर्ट करो। तो यह लगभग मेरा ख्याल है 85 का इलैक्शन सीगा, उत्थे गुरदयाल सिंह ढिल्लों जितया तो मोहन सिंह फलियां वाले नूं जिहड़ा 65,000 वोट मिली सी। तो मैं उदों उत्थे मैं जिहड़ा है इस मिशन का तो मैं समर्थक होकर इन्हां दे नाल चलिया। उस तो बाद मेरा पैंतरक पिंड जिहड़ा है दादे परदादियां दा पिंड मेरा है औढ़ा पिंड है, उस तो बाद मैं औढ़ा आ गया और फिर मैं इस लहर दे नाल जुड़ गया। मैं औढ़ा बूटां दा कम करदा सी ते साहब दा प्रोग्राम सीगा इधर सरसे दे विच, तां उत्थे कुछ साथी अड्डे ते पंपलेट लेके खड़े सी। ये जो साहब के प्रोग्राम की आप बात कर रहे हो ये कौन से सन की बात है सर? ये तो लगभग पहला दी गल है, लेकिन उस तो बाद साहब दा जिहड़ा प्रोग्राम सीगा क्योंकि 87 दे जिहड़े इलैक्शन होए सीगे इस तो बाद साहब दा प्रोग्राम इधर करवाया सीगा, लेकिन उस तो बाद जिहड़ा 87 दा इलैक्शन सीगा मुख्तियार सिंह सदर नूं उत्थे इलैक्शन लड़ाया गया। तो मेरी पहली मुलाकात कांशी राम जी दे नाल फतेहाबाद हुई। मैं उत्थे 14 सैकलां ते लैके मेरे साथी वर्करां नूं मैं उत्थे प्रचार करन लई गया सी। भैण मायावती जी सदर दे इलैक्शनां दी सामग्री पोस्टर पंपलैट झंडा डंडा भैण मायावती जी लैके आए सीगे, उनके हाथ में जिम्मेदारी थी वो। हाँ जी, तां उन्हां इलैक्शनां दे विच उदों मैं क्लीन शेप होया करदा सी। तां भैण मायावती जी लगभग उत्थे हफ्ता उन्हें कम करिया मुख्तियार सिंह सदर दे इलैक्शनां च, और मैं सारे उन्हां प्रोग्रामां दा मंच संचालन कीता गा। उस तो बाद इस लहर दे विच चली गए, लेकिन 2 फरवरी 1988 का मुक्तसर दे विच रविदास जयंती मनाई गई और जिस दे मुख्य अतिथि साहब श्री कांशी राम जी सीगे। ते उदू अगले दिन प्रोग्राम साढ़े सरसे का सीगा, तो मैं मुक्तसर जाके साहब तो टाइम लिया भी साहब जी तुसीं सरसे जाना है तो रस्ते दे विच औढ़ा आउंदी है तो असी उत्थे तुहाडा वेलकम करन दे लई अगर सानू समा दिओ तो असी उत्थे रुक जांगे। तो साहब ने मैनू प्रोग्राम दिता कि भी मैं 9 बजे अगर तुसी झंडा डंडा लैके अड्डे ते खड़े होवोंगे तो मैं रुक जावांगा, नहीं तो मैं अगे चला जावांगा। तो साहब सही 9 बजे उत्थे पहुँच गए। साहब दे नाल मुक्तसर तो बिहारी लाल होया करदा सी पार्टी का वर्कर, तो वह उन्होंने नाल सी एक ड्राइवर सी साहब कांशी राम जी। असी उन्होंने बैंड बाजे दे नाल साहब कांशी राम के पास कौन सी गाड़ी थी जी? अंबेसडर गाड़ी सी उस समय। हाँ जी, ये कौन से सन की बात है? ये 3 फरवरी 1988 की गल। 3 फरवरी 1988 च साहब कांशी राम को अंबेसडर गाड़ी थी। हाँ जी, तो उदों गाड़ी ते जो आए तो असी बैंड बाजे दे नाल उन्होंने मेरे घर तिकर लैके गए। तो उन्होंने मेरे घर 1 घंटे की कार्यकर्ता दा कैडर लिया मीटिंग ली। तो साहब ने दसिया कि भी यह जिहड़ा एरिया है चुटाले वालिआं दा एरिया। मैं कहा हाँ जी। तो गल करन लग गए कि मैं चौधरी देवी लाल दा जो पता लैन गया बीमार सी 87 दे इलैक्शन की उन्होंने गल दसी, कहिंदे भी मैं देवी लाल नूं कहा भी यार मेरा तो हरियाणे च एडा प्रचार ही नहीं है तो तू बार बार मेरे को भज्जा आना है कि भी समझौता करो जी इलैक्शन समझौता करो। तो साहब कहिंदे बोले भी मैनू चौधरी देवी लाल कहन लग्या, बोले जी मैं क्या करूँ मेरे को तो बहुगुणा नहीं टिकने दिता। बहुगुणा ठीक, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष लोक दल का हेमती नंदन बहुगुणा सी। तो साहब कहन लगे कि भाई कांशी राम को तो 1 गुण वाले ब्राह्मण से डर लगता है और वो तो बहुत गुणों वाला है, हेमती नंदन बहुगुणा बहुत गुणा बहुत गुणों वाला है।
तो जाने कि इस तरह का प्रोग्राम होया और इस लहर दे विच एहोजा चले कि असी दिल्ली तकात साहब दे नाल सैकरेलियां लेके भी गए, दिल्ली दियां गलियां दे विच सैकलां ते गए और 90 दे विच दिल्ली दी बोट क्लब ते 42 दिन तई असी धरना दिता साहब दी रहनवाई दे विच और सारे इलैक्शन जिहड़े है उस तो बाद जिहड़ा भी इलैक्शन आया वो असी इलैक्शन भी लड़ाए और मैं 3 फरवरी 88 का जिहड़ा प्रोग्राम सीगा उस प्रोग्राम दे विच भैण मायावत जी दे घरे गए, मूल चंद राठी मेरे नाल सीगा और कौन थे सिर साथे मूल चंद राठी के अलावा दो ही जने गए सीगे सी शुरुआती दौर में दो ही साथी थे आप ना ओ जिहड़ा मायावती जी दे घरे गए सी। अच्छा एक और प्रश्न मैं सर मूल चंद राठी जी हैं वो आपके समय के ही हैं या उससे पहले ही जुड़े हुए थे? वो यहाँ मेरे से पहले हैं मूल चंद राठी जी पहले जुड़े हुए थे वो उसके बाद आप जुड़े वो तो मुलाजिम थे ना बाम सेब के थे हाँ अच्छा तो वो तो मुलाजिम थे ना आप पार्टी के कार्यकर्ता मैं पार्टी के था कार्यकर्ता हाँ जी हाँ जी तो मूलचंद राठी और आप दोनों ही थे सिरसा की ओर से इसके अलावा कोई तीसरा साथी नहीं उस ये बात वो है कि जब हम दिल्ली बहन जी के घर गए थे दो ही थे आप हाँ उसको इनवाइट करने के लिए गए थे भी आपने भी सिरसा आना है ये सर कौन से सन की बात 88 की 88 की बात है अच्छा एक बात है सुनो हाँ जी तो बहन जी के हाथ पर चोट लगी थी वो पौड़ियाँ से तिसलने से तो उनके हाथ पर चोट लग गई थी तो जब हम गए तो बहन जी कहने लगी मेरे तो चोट लग रही है लेकिन हमने उससे बेनती करी भी बहन जी आपने मंच पर आके बैठना है साहब के साथ और बोलना मुंह से है और हो सकता है उस जब तक प्रोग्राम है तब तक आपका जी हाथ और भी बढ़िया हो जाएगा ठीक हो जाएगा लेकिन आपने ज़रूर आना है तो बहन जी ने हमारी बात को स्वीकारा और 3 फरवरी 88 को जो सिरसा में प्रोग्राम था तो बहन मायावती जी भी साहब के साथ वहाँ सिरसा में आए थे। अच्छा एक बात और सर आज जो तमाम अपने जो बसपा के नेता है या और तमाम जो संगठन चलते हैं उनके नेता है साहब काशी राम की छवि किसी में दिखाई पड़ती है? देखो इस तरह है कि वो तो लोगों का जो कार्यकर्म है वो तो दिखाई लोग देखे ना कौन में किस में क्या है। आप लंबे समय से साहब काशीराम के साथ आपने काम किया है बहन मायावती जी के साथ आपने काम किया है तो आज हम देखते हैं हमारे जो तमाम लीडर हैं या और जो हमारे तमाम जो संगठन हैं किसी साथी में आपको साहब काशीराम की छवि या बहन कुमारी मायावती जैसे गुण किसी में दिखाई पड़े? देखो जी इस तरह है कि जिस आदमी दे जो गुण होंगे है उस वो छुपे नहीं रहेंगे गे वो जनता दे सामने आ जाते हैं। अगर मेरे च कोई गुण है कोई अवगुण है ना तो मैं वो मेरा गुण तो अवगुण ज़्यादा दिन छुपा नहीं सकता गुण अवगुण जनता दे सामने आ जाते हैं और जनता देख लेंदी ऑटोमैटिक। एक बात और जी साहब काशी राम के जाने के बाद अपना जो ये बहुजनों का मिशन मोमेंट था हम आगे लेके गए या पीछे धकेलने का काम किए ये बात हमारे मीडिया के सामने आप देखो सिरसा के अंदर जो बात थी बहुत बढ़िया प्रोग्राम सी क्योंकि मैं तो मातृभाषा मेरी पंजाबी है तुसी हिंदी बोल जाने तो कई बारी फिर मेरी भी लैंग्वेज हिंदी च हो जाती है जी बताओ साहब कांशी राम दे जान तो बाद दुनिया दा कोई भी लहर च निगाह मार लो किसी भी जो है बड़े बड़े महापुरुषों ने जो लहर चलाई है जदों भी उस लहर का कोई मोढ़ी कदे गया है तो उस तो बाद उहदे विच थोड़ा बहुता गिरावट या उहदे विच स्वाभाविक ही है कि उहदे विच थोड़ा बहुता हलचल हो जाती है लेकिन इहदा भैण मायावती जी है कि उन्होंने उस सारी गल नूं संभालिया है लेकिन बहुत बहुत मोड़ आए है बहुत गल्लां होईआं है लेकिन यह जिहड़ा सिस्टम है एक मिशन है जो बाबा साहब तो लैके कांशी राम जी ने चलाया है और इस वजह के नाल ही जो लोग सीगे कुछ लोगों ने कई तरह का सिस्टम किया साहब के जाने तो बाद और बड़ा जो ऐसा सिस्टम जी बस कोई आप स्वार्थी हो गए कोई पदा नाल जुड़ गए किसी ने कुछ करया तो जेडे मिशनरी लोग सी कुछ लोगों को मजबूर होकर घर बैठना पाया कुछ लोगों इधर उधर जाना पिया
लेकिन जेडे लोगों के दिमाग चो साहब कंत श्री राम जी का मिशन बाबा साहब का मिशन और बहुजन समाज पार्टी की गल है जिन्हें दिमाग च रही वो ना किसी ने उन्होंने दिमाग चो कोई कढ़ सकया और ना उन्होंने घर परिवार चो निकली है वो चे कि भी रहा वो ज्यों दी त्यों रही है और उस मरीज दे जड़ा है असी भी उस गल दे विच ही लगे हुए हैं। मैं जी पिछले एक हफ्ता से इस कालावाली क्षेत्र में हूँ और तमाम लोगों से ही मैंने गांव-गांव जाकर मिला हूँ, लेकिन आपकी छवि चाहे वो युवा हो चाहे बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे कोई भी हो, आपकी छवि एक स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ती है। आपको बाई नेम वो लोग जानते हैं, ऐसी आपकी पहचान इस क्षेत्र के अंदर बनी हुई है। आपको क्या लगता है आप बसपा की ओर से एक मजबूत प्रत्याशी कालावाली से हो, आपको क्या लगता है कि आने वाले जो समय है आप कितनी वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज कर पाओ? देखो जो पहचान दी गल है, मैं जदों भी राजनीति च जा मिशन च आया तो साहब कंत श्री राम जी के मिशन च ही आया। साढ़े घर च ना ही तो मेरा कोई बाप दादा राजनीति च सी, असी तो एक मजदूर बंदे सीगे। ये तो साहब श्री कंत श्री राम जी का करिश्मा है कि जिन्होंने साढ़े मुरदे लोगों के बीच जान पा के ते समाज के बीच खड़े करता असी बोलन लग गए। तो ये जिहड़ा करिश्मा है कंत श्री राम का करिश्मा है, साडा ना ही सानू कोई जानता सीगा करनैल सिंह ओटा कौन हुंदा है, ये तो उन्होंने करिश्मा है, उन्होंने मेहर हुई है ता असी ये समाज के बीच आए हैं, नहीं सानू कौन जानता सीगा। एक बात और करनैल सिंह जी, हमारे जो दर्शक हैं खबरनामा 45 जो देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? हमारा इस मिशन मोमेंट है, इसको आगे ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप लंबे समय से इस मिशन के साथ जुड़े रहे हो, आपको भलीभांति इस बात से अपरिचित हो कि हमारे जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, आप हमारे दर्शकों तक ये मैसेज जरूर दें। दर्शक जिन्हें भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मेरा उन्होंने ये संदेश है कि भारत का जिहड़ा संविधान है वो बाबा साहब अंबेडकर का लिखा होया है और ये संविधान नूं घर घर दे विच इस संविधान के बारे दस्या जाए, बाबा साहब अंबेडकर के मिशन नूं इन्हां छोटे छोटे जो बच्चे आ उन्हां नूं पढ़ाया जाए ता कि आने वाला जिहड़ा समा है इस देश दे विच बहुजन समाज का होवे। जिहड़ी आ गल जित ते हार दी है, साडा जितना ते हारन दे नाल मकसद नहीं है, साडा मकसद है कि इस देश दे जो 85% मूल निवासी लोग है उन्हां लोकां च इक चेतना पैदा करनी, उन्हां दे विच इक मिशन पैदा करना जो साहिब श्री कंत श्री राम जी ने शुरू करके ते अज उस मिशन नूं मायावती भैण मायावती जी चला रहे ने। तां असीं दा संदेश ये दिंदे हां कि साडे समाज दे लोकां नूं घर घर दे विच संविधान पढ़ना चाहीदा है, संविधान पढ़ाना चाहीदा है। अगर यह संविधान जिउंदा है तां असीं लोक जिउंदे हाँ, अगर ये संविधान नहीं है तां असीं मुरदे हो जावांगे। इसलिए मेरा संदेश है कि यह घर घर विच भारत का संविधान पढ़ाओ, तो जिहड़ा हुण मौका है ये चुनावी माहौल है ये भैण मायावती जी के हाथ मजबूत करन दे लई जिहड़ा हाथी का चुनाव चिन्ह है उहदा 21 तरीक नूं बटन दवा के ते बहुजन समाज पार्टी नूं जिवें साडा चुनाव चिन्ह पहले नंबर ते है, वोटिंग मशीन जिहड़ी है उहदे विच साडा हाथी पहले नंबर ते है, तो वह जिमें नंबर पहले नंबर पर हाथी है। तो मेरा दर्शकों को यही बेनती है कि तुम इन्ने व्डे पद्धर से हाथी का बटन दबा दौ ता कि यह सारे कैंडीडेटा तो पहले नंबर पर बहुजन समाज पार्टी का कैंडीडेट का नंबर आए, ये मेरा संदेश है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है जी, अब मेरा भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बसपा के बहुत ही मजबूत करद्यावर प्रत्याशी सरदार करनैल सिंह जी ओडा, जिन्होंने बताया कि वर्तमान समय में हमें जो भारतीय संविधान है जिसके निर्माता शिल्पीकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, अपने घरों में अपने सभी बच्चों को पढ़ाना चाहिए जिससे इससे सामाजिक जागृति पैदा हो सके। उन्होंने बताया आने वाला समय जो है बहुजनों का समय है, इसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए हर व्यक्ति को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन वीर सिंह के साथ मैं विक्रम इंदौरा।